दोस्तों 95% जीते हुए मुकाबले को इस तरह से हारी टीम इंडिया, लेकिन फिर भी चेतन साकरिया ने जीता सबका दिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीलंका की टीम ने कुछ खास प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों किस तरह से यहाँ पर 95% जीते हुए मुकाबले को टीम इंडिया हार गई है और साथ ही में चेतन साकरिया ने किस तरह से सबका दिल जीता है, पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चेतन साकरिया को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 23 जुलाई को खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों आज की इस मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 6 बड़े बदलाव किए गए, जहां भारत की तरफ से संजू सैमसन, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर और चेतन साकरिया समेत एक साथ 5 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला। तो वहीं पर दोस्तों टीम में नवदीप सैनी को भी शामिल किया गया। दोस्तों टॉस जीतकर टीम इंडिया की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दोस्तों शिखर धवन ने पारी की शुरुआत में दूसरे ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ दिए, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में दुश्मन चमीरा की गेंद पर शिखर धवन कैच आउट हो गए। वहीं दोस्तों पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू कर रहे संजू सैमसन मैदान पर उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया और इसी के साथ 10 ओवर में भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों संजू सैमसन अपने करियर के पहले वनडे मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और अब देखते ही देखते पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में पृथ्वी शॉ ने 3 ताबड़तोड़ चौके जड़े, लेकिन उन 50 रन के स्कोर पर पृथ्वी शॉ 16वें ओवर में दसुन शनाका की गेंद पर LBW आउट हो गए और अपना अर्धशतक से चूक गए और दोस्तों यह साझेदारी यहीं पर ब्रेक हो गई। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन 19वें ओवर में संजू सैमसन भी 46 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके साथ 20 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए थे। अब दोस्तों पिच पर 2 नए बल्लेबाज मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, जहां सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। तो हालांकि सूर्य कुमार यादव को 23वें ओवर में LBW आउट करार दिया गया था, लेकिन रिव्यू लेने के बाद थर्ड अंपायर के द्वारा इन्हें नॉट आउट दिया गया। अब दोस्तों 23वें ओवर के बाद बारिश ने मैच में खलल डाला, जिसकी वजह से मैच करीब 1 घंटे तक रुक गया, जहां बारिश होने तक भारतीय टीम ने 23 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए थे। लेकिन बारिश के बाद दोबारा खेल शुरू होने के बाद मैच पूरी तरह से श्रीलंका की झोली में चला गया। जी हाँ दोस्तों, बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ और 25वें ओवर में ही मनीष पांडे मात्र 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने कुछ देर तक सूर्य कुमार यादव का साथ दिया, लेकिन अब हार्दिक पांडे भी मात्र 19 रन बनाकर LBW आउट हो गए और दोस्तों 30 ओवर में भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जहाँ दोस्तों 31वें ओवर में ही सूर्य कुमार यादव 40 रन पर अकेला धनंजय की गेंद पर LBW आउट हो गए। हालांकि दोस्तों इस बार श्रीलंका की टीम ने रिव्यू लिया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव को आउट दिया गया। वहीं दोस्तों अब नीतीश राणा और कृष्णप्पा गौतम मैदान पर खड़े थे, लेकिन 33वें ओवर में अकेला धनंजय ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को एक ही ओवर में चलता कर दिया, जहाँ कृष्णप्पा गौतम 2 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं पर नीतीश राणा 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम की डूबती नैया को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने संभाला, जहाँ राहुल चहर और नवदीप सैनी ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी के दोनों ही खिलाड़ी सूझबूझ भरी धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे थे। 40 ओवर में भारतीय टीम ने 8 विकेट गंवा कर 218 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों अब मात्र 7 ओवर का खेल बचा था, लेकिन राहुल चहर और नवदीप सैनी दोनों ही खिलाड़ी चट्टान की तरह मजबूती से खड़े थे, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को ऑल आउट होने से भी बचा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 29 रनों की साझेदारी पनप चुकी थी। वहीं अब 43वें ओवर में चमिका करुणारत्ने ने इस साझेदारी को ब्रेक कर दिया, जहां राहुल चहर 13 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ टीम इंडिया का आखिरी विकेट बचा था
था, जहां अब अगले ही ओवर में नवदीप सैनी भी मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम 43.1 ओवर में 225 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और दोस्तों यहां पर श्रीलंका की टीम को 226 रनों का लक्ष्य दिया। दोस्तों अब श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ खड़े विनोद भानुका ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। दोस्तों अब छठे ओवर में कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर विनोद भानुका मात्र 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ श्रीलंका की टीम का 35 रन पर पहला विकेट गिरा। लेकिन अब अविष्का फर्नांडो का साथ देने के लिए भानुका राजपक्षा मैदान पर आ चुके थे। इसी के साथ अब श्रीलंका की टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों अविष्का फर्नांडो और राजपक्षा ने मिलकर इस मैच को श्रीलंका की तरफ झुकाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। वहीं दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। दोस्तों भानुका राजपक्षा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों 17वीं ओवर में अविष्का फर्नांडो ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में खेल रहे अधिकतर गेंदबाजों का यह पहला मुकाबला था, ऐसे में अनुभव की कमी की वजह से गेंदबाज विकेट हासिल करने में छटपटा रहे थे। वहीं दोस्तों अब राजपक्षा ने 20वें ओवर में 2 तूफानी चौके लगाए और 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ अब श्रीलंका की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां दोस्तों श्रीलंका ने 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए। अब दोस्तों धीरे धीरे अब भारतीय टीम से जीत छटकती हुई दिख रही थी। अब दोस्तों अविष्का फर्नांडो और भानुका राजपक्षा के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। टीम इंडिया में मौजूद हार्दिक पांड्या और नवदीप सैनी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी श्रीलंका खिलाड़ियों की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में दोस्तों युवा गेंदबाज चेतन साकरिया ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और 23वें ओवर में राजपक्षा को चेतन साकरिया ने खुद अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर 65 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ दोस्तों इस साझेदारी का अभी ब्रेक हो गया। वहीं दोस्तों अविष्का फर्नांडो का साथ देने के लिए धनंजय डी सिल्वा मैदान पर आ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से चेतन साकरिया ने 25वें ओवर में आकर नए बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा को मात्र 2 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब भी दोस्तों अविष्का फर्नांडो श्रीलंका की तरफ से चट्टान की तरह मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए इनका विकेट काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन दोस्तों अब चरित श्रीलंका और अविष्का फर्नांडो ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई तो दोस्तों श्रीलंका की टीम को धीरे धीरे जीत के करीब पहुंचाया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिख रही थी। इसी के साथ 30वें ओवर में श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों अब श्रीलंका की टीम को 17 ओवर में मात्र 52 रन चाहिए थे। मैदान पर अब भी अविष्का फर्नांडो और चरित श्रीलंका मैदान पर मौजूद। लेकिन दोस्तों अब 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर चरित श्रीलंका को हार्दिक पांड्या ने LBW करके 24 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। अब दोस्तों उसके बाद यहां पर राहुल चहर गेंदबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों राहुल चहर ने भी अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान शनाका को आउट कर दिया। यहां दोस्तों अब श्रीलंका की टीम थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति में आ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के 5 विकेट गिर चुके थे और 33 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 196 रन बना लिए थे। अब दोस्तों श्रीलंका की टीम को 82 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। दोस्तों एक तरफ श्रीलंका के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों आने वाले कुछ ओवर्स में अविष्का फर्नांडो और रविश मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को आसानी से जीत दिला दी। जी हां दोस्तों श्रीलंका की टीम की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अविष्का फर्नांडो को दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन से खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।